हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सिन्हा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के इस चैनल अभिषेक सिन्हा प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में। आज हम एक रेक्टेंगल को सी में कैसे ड्रॉ करते हैं सी प्रोग्रामिंग से, वो करके दिखाएंगे। एक कोडिंग ऐसा होगा जो आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ कैसे होता है। ऐसे में आप यहाँ देखिए कि ये जिसके चारों तरफ जो ये जो आपको आउट लाइन दिख रहा है वो एक रेक्टेंगल है। यहाँ देखिए ये भी एक रेक्टेंगल है। तो इस टाइप के यहाँ देखिए सब रेक्टेंगल, यानी ये सभी रेक्टेंगल को हम बना सकते हैं खुद से आउटलाइन। तो मैं आपको आज रेक्टेंगल ड्रॉ करना सिखाऊंगा। पिछले क्लासेस में हमने लाइन ड्रॉ करना देखा था, उससे भी प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, पहला क्लास हमारा था जो कैसे हम ग्राफिक्स को लोड करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में। तो अभी तक हमने भी अभी तक ग्राफिक्स को लोड करना बताएंगे इस प्रोग्राम में भी, बट शॉर्टकट में मैं बताऊंगा कि मैंने इसका वीडियो पहले से समझाया था। इसका फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिएगा जहां अच्छे से समझाया था। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं आज के कॉन्सेप्ट पे। तो यहां पे हमने फाइल ओपन किया है, फाइल में जा करके। तो सबसे पहले आज मैं जो फाइल बनाना चाहता हूँ वो है रेक्टेंगल rectangle rectangle.c। फाइल ओपन कर लिए हम और यहाँ ध्यान दीजिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा। तो ग्राफिक्स उससे पहले मैं लिख दूँ हमें करना क्या है। तो मैं आज डेमो देखने वाला हूँ, DMO डेमो ऑफ रेक्टेंगल rectangle रेक्टेंगल फंक्शन। तो ध्यान दीजिए कि एक प्री डिफाइंड फंक्शन है हमारे सी में जो हमारा ग्राफिक्स डॉट एच हेडर फाइल के अंदर है। तो पहले हम सभी हेडर फाइल को इंक्लूड कर ले जो हमारे प्रोग्राम में ज़रूरत है। हैस इंक्लूड stdio.h ओके ठीक है। नेक्स्ट हैस इंक्लूड जो कि है conio.h और जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ग्राफिक्स के लिए, उसे तो इंक्लूड करना ही है। Has include graphics graphics.h graphics dot h। तो ये हुआ हमारा तीनों हेडर फाइल जिसकी ज़रूरत थी। चलिए मैं स्टार्टिंग से करते दिखा रहा हूँ जो कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आपको फिर भी कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम एक void main देते हैं क्योंकि कुछ भी रिटर्न ना करें, इसलिए मैंने void लगाया है। नॉन रिटर्निंग टाइप को मेन बनाया है मैंने, इस आप सी प्रोग्राम में कर चुके हैं। अगर आप ग्राफिक्स देख रहे हैं तो मैं ये क्लियर होऊंगा कि आप सी प्रोग्रामिंग को अच्छे से समझ रहे होंगे तभी आप इस एडवांस फीचर्स को पढ़ने आए हैं। तो चलिए सबसे पहले अपना ग्राफिक्स को सी में लोड करें। तो इसके लिए करना पड़ता है हमें इंट, और कोई भी आप वेरिएबल बना सकते हैं बट मैं वही वेरिएबल ले रहा हूँ जो एज यूजुअल चलता आया है। तो एज यूजुअल चलता आया है वो है आपका जी ड्राइवर ड्राइवर का मतलब होता है ग्राफिक्स ड्राइवर। तो ग्राफिक्स ड्राइवर में हम जो एक मैक्रो जिसका कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होता है वो है डिटेक्ट detect। ये सभी क्या होता है मैंने बताया था पहले, अगर नहीं देख रहे फिर भी मैं जो बताया चलता हूँ आप ये करते चलिए। तो ये मैंने हमने इंट में हमें दो वेरिएबल लेना है। पहला है जी ड्राइवर लिया, जी ड्राइवर में हमने एक मैक्रो है जिसका कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होता है, इसलिए 0 और 1 उस तरीके से एक न्यूमेरिक वैल्यू इस डिटेक्ट के अंदर है। तो डिटेक्ट एक मैक्रो है उसको इनिशियलाइज कर दिया जी ड्राइवर को ओके। और सेकेंड जो हमारा एज यूजुअल जो हम लेते आए हैं वो है जी मोड। जी मोड का मतलब होता है ग्राफिक्स मोड, जैसे में svga vga ये सब ग्राफिक्स मोड होते हैं। तो यहाँ जी मोड भी हो गया जो ग्राफिक्स मोड को बता देगा, यानी svga जो होता है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा। मैं यहाँ कुछ भी इसमें इनिशियलाइज नहीं करूँगा। तो यहाँ दो हमने वेरिएबल ले लिया जी ड्राइवर एंड जी मोड। इसे कहाँ यूज करना है तो वो है अपना फंक्शन initgraph initgraph जो है वो फंक्शन है जो कि ग्राफिक्स डॉट एच हेडर फाइल के अंदर है ठीक, इसका डिक्लेरेशन। तो इसमें से हम रिफरेंस पास करते हैं, करने का मतलब एड्रेस ऑपरेटर लगा करके, क्योंकि वहाँ पॉइंटर के साथ एक्सेप्ट करता है मैंने बताया था जैसे। तो यहाँ हमें रिफरेंस पास करना है किसका, जी ड्राइवर का, जी
GRIVER जो हमने बनाया है। सेकेंड जो डिफरेंस पास करना है वो है डिफरेंस ऑफ जी मोड। ओके, देन आफ्टर हम पाथ देते हैं, तो पाथ के लिए ध्यान दीजिए मैं बोल बोल कर लिख रहा हूँ, अगर नहीं दिख रहा हो आपको तो कोई भी स्पेस नहीं देना है। डबल कोट्स के बाद आपको लिखना है सी, उसके बाद कोलोन, डबल बैक स्लैश, उसके बाद टर्बो सी, TURBO टर्बो सी 3, फिर डबल बैक स्लैश और BGI, उसके बाद डबल कोट्स को क्लोज करें। इसके बारे में बताया था पाथ कैसे और क्यों हम देते हैं। ओके, तो ऐसा आप लिखें, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ये हो गया, हमने इस पाथ को भी कंसिडर कर दिया। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड चेंज करने के बारे में ही बताया था। अगर हम यहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं ये ब्लू स्क्रीन है, तो हमारा आउटपुट बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक एंड वाइट आता है, क्योंकि वो डॉस मोड में ब्लैक एंड वाइट होता है। तो हम चाहते हैं उसे इसी ब्लू कलर का करना मेरा आउटपुट। तो उसका फंक्शन है सेट, मैं बताया था आपको BKCOL, और अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा हो, सेकेंड वाला वीडियो, तो आपको समझ में आएगा सेट बी के कलर। मैंने आपको डिफरेंट स्टाइल में नेम लिखना भी बताया था, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में नेम कैसे लिखते हैं सिंपली, तो वो सब आप कुछ देख चुके हैं। तो चलिए मैं यहाँ टेस्ट करते, सबसे पहले ये काम कर रहा है नहीं, सेट बी के कलर, जिसमें हम आप 1 भी पास कर सकते हैं तो ब्लू आएगा, या आप सिंपली कैपिटल में BLUE लिखे तो ब्लू। एक मैक्रो है, इस मैक्रो का वैल्यू 1 होता है, ठीक। तो ब्लू लिखा हमने, उसके बाद GETCH GETCH लगाए, और देखते हैं एक बार कंपाइल करके, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ प्रॉब्लम हो या ना हो तो कंपाइल करना ज़रूरी है। कंपाइल किए हमने, देखे कोई एरर नहीं, रन करते हैं, एक एरर दिया, क्या एरर दिया, सेट बी के कलर, सेट बी के कलर इन मॉड्यूल, यस, तो सेट बी के कलर के जगह पे सेव लिखा गया है, यही प्रॉब्लम है, कोई नहीं। सेट बी के कलर हमने लिखा सेट, उसके बाद बी है, उसके बाद लगाना है सेट बी के कलर, ठीक है। उसके बाद कंपाइल किए, कोई एरर नहीं, रन करते हैं, कोई एरर नहीं, देखिए ये आउटपुट आपको ब्लू कलर का स्क्रीन दिख रहा है। तो आप सोचेंगे कहीं हमने ऐसे ही कुछ खोल दिया हो, तो चलिए इसका हम न्यूमेरिक से भी आप चेंज करके दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे हम 4 करके देखते हैं, 4 से क्या आता है, हमने 4 किया, देखिए रेड आ रहा है स्क्रीन, ठीक। ये तो अब हमने किया ही था, तो आज हमारा मेन कॉन्सेप्ट है रेक्टेंगल को करना। रेक्टेंगल को करने से पहले चलिए सबसे रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट से पहले समझते हैं MS पेंट में, जो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रेक्टेंगल कभी भी ड्रॉ करने के लिए। लेट्स बिगिन टू व्यू द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ अपने पेंट पे है, आपको पेंट का पूरा स्क्रीन दिख नहीं रहा होगा तो, लेकिन बट ये पेंट है। ओके, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट बता दूँ, क्योंकि कोऑर्डिनेट के द्वारा ही तो पूरा ग्राफिक्स है। तो ध्यान दीजिए, ये जो ऊपर का लाइन खींचा इसे वाई एक्सिस मानिएगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया, मैं इसे सीधा एक बार कर दूँ, क्योंकि पूरा ग्राफिक्स समझ रहे हैं तो सब कुछ अच्छे से समझना है। ओके, उसके बाद ये वाई एक्स सॉरी ऊपर वाला वाई एक्सिस था, इसे हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया। चलिए तो इसे समझिए कि ये यहाँ से स्टार्टिंग है हमारा कॉन्सोल। ओके, यानी आउटपुट यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ इस तरीके से, यहाँ ऊपर भी है सिमिलरली, तो ये हम एक्स एंड वाई है, क्लियर। तो ध्यान दीजिए हमारा आउटपुट स्क्रीन भी ऐसा ही है, यानी अगर मैं आउटपुट अगर ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूँ तो हमारा कॉन्सोल भी कैसा है, यहीं से इस सटा हुआ स्टार्टिंग है और यहाँ तक मेरा आउटपुट स्क्रीन है पूरा सटा हुआ, ठीक। तो मैं अभी इस पर हटा देता हूँ, हाँ यस, बस यही समझिए। उसके बाद हम ये रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, सपोज रेक्टेंगल कैसा होता है मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये हुआ रेक्टेंगल, ठीक, क्या समझ रहे होंगे, कोई बात नहीं, रेक्टेंगल कैसा होता है वह जान गए आप। तो ध्यान दीजिए हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है वो कैसे करना है, ध्यान दीजिए यहाँ से ये ओरिजिन और यहाँ से ये ओरिजिन, तो रेक्टेंगल में होता है क्या, तो पहले मैं ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको, यहाँ से जो मैं रखा हुआ इससे कितने दूर पे करना है, यानी लेफ्ट इसे बोलते हैं लेफ्ट, इधर इधर इस साइड होगा तो राइट, ऊपर होगा तो टॉप, नीचे होगा तो बॉटम। तो हमें लेफ्ट लेफ्ट के साथ क्या
देखिए रेक्टेंगल जो है वो चार आर्गुमेंट्स लेगा। पहली बात जो मैं यहाँ थोड़ा सा नीचे लिख के भी पहले बता दूँ रेक्टेंगल के बारे में, थोड़ा बड़ा है छोटा छोटा करके दिखाता हूँ आपको। ध्यान दीजिए रेक्टेंगल जो फंक्शन है, अंडरलाइन आ रहा है, अंडरलाइन को हटा दूँ। यस RECTANGLE रेक्टेंगल जो फंक्शन है वो कितने आर्गुमेंट्स लेंगे? चार। पहला लेगा लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट के साथ ऊपर में रहेगा टॉप, टी से टॉप। उसके बाद रहेगा राइट, यस कैपिटल आर फॉर राइट, और कैपिटल बी फॉर बॉटम। देखिए ये चार आर्गुमेंट्स पास करता है रेक्टेंगल। तो लेफ्ट, लेफ्ट कहने का मतलब कि कितना वो लेफ्ट से हमें छोड़ना है, स्क्रीन कितने छोड़ करके लेना है। हमें यहाँ से लेना है, हमें यहाँ से ड्रॉ करना है, या हमें यहाँ से ड्रॉ करना है, या हमें कहीं से ड्रॉ करना है, कितना लेफ्ट छोड़ना है। ठीक, तो वो लेफ्ट बता रहा है। हम सपोज यहाँ से ड्रॉ करना चाहते हैं तो जितना छोड़ेंगे उतना हमें इतना न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लेफ्ट। उसके बाद टॉप, टॉप कहने का मतलब क्या है कि आप ऊपर से कितना छोड़ना चाहते हैं। आप यहीं से करना चाहते हैं या यहाँ से करना चाहते हैं, ठीक, या यहाँ से करना चाहते हैं, ठीक। ये हो गया टॉप। राइट कहने का मतलब भी क्या होता है कि आपने स्टार्टिंग तो यहीं से किया, ओरिजिन तो यही है, ये लाइन ओरिजिन है, ये और ये लाइन ओरिजिन है। ऊपर भी एक मानिए, ऊपर का भी एक लाइन इस टाइप से होगा। अगर मैं यह करूँ, हाँ चलिए ये भी बनाना जरूरी था, चलिए टॉप, चलिए अब ठीक है। तो करना क्या है कि हमें लेफ्ट, लेफ्ट कितना से करना है। सपोज हमने सपोज मैं करके देखता हूँ, यहाँ से मैंने सपोज फाइव डिस्टेंस छोड़ा है, ठीक। तो ये फाइव, ऊपर से भी मैं चाहता हूँ फाइव छोड़ करके, तो ऊपर से भी फाइव छोड़ा, ठीक। दोनों दोनों इक्वल इक्वल छोड़ा, नहीं ऊपर से भी, यहाँ ऊपर से भी छोड़ा और नीचे से भी छोड़ा, इतना इक्वल फाइव फाइव। राइट कितना जाना है, तो मैं चाहता हूँ थर्टी, थर्टी राइट जाए। और बॉटम से भी कितना चाहता हूँ, बॉटम से भी थर्टी राइट जाए। थर्टी इधर तक मैं सपोज ये थर्टी हुआ, तो थर्टी नीचे भी थी, इतना थर्टी, मतलब कहने का मतलब एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, रेक्टेंगल बनेगा नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि वो ट्वेंटी हो जाए, ट्वेंटी कहने का मतलब अब ये स्क्वायर बनेगा। तो इसे मैं लिख के दिखाता हूँ जो आपको समझ में आ जाए जो मैंने क्या क्या बोल दिया। तो ध्यान दीजिए, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। यस लेफ्ट हमने बोला कि यहाँ से लेफ्ट, लेफ्ट के लिए ये हो गया लेफ्ट। लेफ्ट हमने छोड़ा था फाइव, ओके। लेफ्ट के बाद टॉप, टॉप भी हमने छोड़ा था ऊपर से, ये कितना फाइव, ओके। राइट हमने छोड़ा था यहाँ से सपोज, कंसीडर तो यहीं से होगा, यहाँ से यहाँ तक सब छोड़ा था हमने, इसे समझिए थर्टी, ओके, थ्री जीरो थर्टी, थर्टी लिखा, आपको दिख नहीं रहा तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। हमने इतना छोड़ा था थर्टी, ओके, मैं बोल भी रहा हूँ इसके लिए। और ऊपर से यहाँ के लिए सपोज मैं छोड़ा ट्वेंटी, ओके। तो इस टाइप से करने पर यही है लेफ्ट राइट छोड़ना। तो मैंने सिंपली यहाँ पे सपोज लिख रहा हूँ कुछ भी, तो मैंने लिखा क्या था फाइव, ठीक। टॉप ऊपर से भी मैंने छोड़ा था, टॉप से कितना छोड़ा था फाइव, ओके। राइट से कितना छोड़ा हमने, राइट से हम छोड़े हैं थर्टी इस साइड से, तो आपको दिख रहा है वही चीज़ हमने लिखा है थर्टी। और बॉटम यानी ऊपर से नीचे कहने का मतलब, बॉटम कहने का मतलब तो ऊपर से नीचे मतलब ट्वेंटी। तो ऐसा करने से हम देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। तो सेम यही चीज़ वैल्यू को हम डाल के देखते हैं अपने टर्बो सी आई डी पे किस टाइप का रेक्टेंगल फॉर्म करता है, कितना बड़ा फॉर्म करता है। तो चलिए डालते हैं फाइव फाइव थर्टी ट्वेंटी, ठीक, फाइव फाइव थर्टी ट्वेंटी। तो हम यहाँ पे अपने आई डी पे भी है, अब लिखते हैं रेक्टेंगल, आर ई सी टी ए एन जी एल रेक्टेंगल। हमने बोला कि डालेंगे फाइव लेफ्ट के लिए, फाइव टॉप के लिए, थर्टी राइट के लिए, 30
ओके 30 राइट के लिए एंड 20 लेफ्ट के लिए, ये हो गया हमारा आर्गुमेंट्स। बट मैं इससे पहले को चाहता हूँ दिखा देना कि ये रेक्टेंगल को टर्बो सी में के हेल्प में कैसे लिखा है, वो देख ले आप। आर ई सी टी एन रेक्टेंगल, देखिए रेक्टेंगल में आप देख सकते हैं यहाँ रेक्टेंगल है, इसके इसका डिक्लेरेशन बना हुआ है कि ये इन टाइप है, ये लेफ्ट लेता है, चार आर्गूमेंट्स ले रहा है, 1, 2, 3, 4, ठीक दिख रहा है आपको, इसमें लेफ्ट टॉप राइट एंड बॉटम। तो यहाँ से आप देख लिए, चलिए इसको अगर कंपाइल करते हैं, पहले कंपाइल किए रन करके देखते हैं कि किस टाइप का आउटपुट आ रहा है, रेक्टेंगल कैसा सो बन भी रहा है या नहीं, हो रहा है तो कैसा। देखिए एक छोटा सा रेक्टेंगल यहाँ बना, छोटा सा कॉर्नर पे, ऊपर से 5 छोड़ा, नीचे से 5 छोड़ा, इधर से 30, इधर से 20, तो एक रेक्टेंगल टाइप का फॉर्म कर रहा है। ओके तो चलिए मैं चाहता हूँ कि एक पूरे स्क्रीन पे इस टाइप से आपको दिख रहा होगा रेक्टेंगल, हम जो इस टर्बो सी के चारों तरफ एक आउटलाइन दिख रहा है, ये वाइट कलर का यहाँ जो रेक्टेंगल सी लिखा है, तो हम चाहते हैं इस टाइप का आउटपुट पूरे स्क्रीन पे आ जाए। तो पहले हम चाहते हैं इसे ब्लू करना, तो ब्लू के लिए हमारा न्यूमेरिक वैल्यू 1 है, ठीक। आपको ऐसे चाहता है तो आपको मैं दिखा देना चाह रहा हूँ कुछ कलर्स जो कि आप यूज कर सकते हैं उसका न्यूमेरिक, लास्ट में आपको दे दूँगा कुछ नंबर जो डिफरेंट कलर कोड रखते हैं। बट पहले मैं रेक्टेंगल को क्लियर कर ले, मैं अभी बोला क्या, मैं चाहता हूँ कि पूरे स्क्रीन पे चारों तरफ एक बॉक्स बन जाए, ठीक, यानी यहाँ से आउटपुट में चारों तरफ एक बॉक्स बन जाए। तो इसके लिए मैं एक कोड पहले से किया था, वो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको, आप भी डिफरेंट यहाँ पे लिख कर देख सकते हैं, छोटा कभी बढ़ा के किसी को कम करके, ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ पूरे स्क्रीन पर आ, तो मैंने उसके लिए किया था तो 10, 630, 630 and 470। देखिए 470 क्यों मैं लिखा, देखिए लेफ्ट मतलब लेफ्ट से मैं चाहता हूँ 10 छोड़ना, 10 छूटेगा, ऊपर से चाहता हूँ 10 छोड़ना, तो लेफ्ट एंड राइट थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ेगा। उसके बाद लेफ्ट से 630 के दूरी पे, यानी यहाँ से 630 के दूरी पे यहाँ कहीं, ठीक, और उसके बाद बॉटम में मतलब ऊपर से 470 के दूरी पे यहाँ कहीं वो एक लाइन ड्रॉ करेगा चारों तरफ स्क्रीन के। चलिए मैं इसे एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको, देखिए आपको दिख तो नहीं रहा होगा पूरा स्क्रीन क्योंकि ये नीचे भाग गया है, इसलिए ऐसा आपको शो कर रहा है। तो ये पूरा स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है क्योंकि छोटा सा मैंने स्क्रीन पे खोला हुआ, इसलिए थोड़ा नीचे का कट रहा है, लेकिन ये पूरे स्क्रीन पे है। ओके आप ऐसा इस कोड को रख करके आप देख सकते हैं, पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा आपके। तो इस तरीके से आप डिफरेंट थोड़ा सा वैल्यू कम ज़्यादा करके देखिए, उस कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा रिपीट कीजिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा रेक्टेंगल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए आप डिफरेंट डिज़ाइन बना सकते हैं, आप लूप लगाइए, लूप लगा करके एक डिफिनिट रेंज तक का लूप लगाइए और इस न्यूमेरिक वैल्यू को बढ़ाइए घटाइए, डिफरेंट पैटर्न भी बना सकते हैं आप। ओके तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही मैंने रेक्टेंगल के बारे में बताया, अगले क्लास में हम किसी न्यू फंक्शन के साथ मिलेंगे जब ग्राफिक्स और अच्छे से समझ में आते रहे सी का ग्राफिक्स, और अपना बेस्ट देते रहेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिए, डिफरेंट आइडिया सोचिए कि हम कैसे ग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, और फिर से जाने से पहले मैं एक बार बता दूं कि अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियो आते रहेंगे, और वो ध्यान दीजिए सब्सक्राइब पता नहीं तो मैं बता देता हूँ कि उस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का जो बटन दिख रहा है सब्सक्राइब लिखा है उसे क्लिक करें, और वहाँ एक घंटा मिले उस घंटे को मार के तोड़ दें, क्योंकि फ्री ऑफ घंटा है उसे मार के तोड़ दो भाई, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन उस घंटे को तोड़ने से ही आपको मिलेंगे, ठीक है, यानी क्लिक करने से ही आपको मिलेंगे। ओके तो एक बात और कि अगर आपको मेरे और भी वीडियो देखने हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, C++, PHP, SQL, इस डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज के वीडियो आपको मिल जाएंगे। और भी ज़्यादा जानना है तो हमारे फेसबुक पेज BCASRKG16 टीम जो फेसबुक पेज है वहाँ जाइए, उससे लाइक करें, क्योंकि वहाँ हमारे कई स्टूडेंट्स हैं और सब आपस में डिस्कस करते हैं
और साथ ही साथ अपने नॉलेज को बढ़ाइए, बूस्ट कीजिए और अपने नॉलेज के ग्राफ को इंक्रीज करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।